फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सपना सिन्हा और कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूं अपनी स्किन केयर रूटीन। तो इससे पहले भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपनी स्किन केयर रूटीन का वीडियो दिया है, आप सब एक बार देख लीजिएगा। तो उस वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ प्रोडक्ट्स अपना शेयर किया था कि मैं कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करती हूँ और किस तरह से यूज करती हूँ। तो वो काफी पहले की वीडियो थी। तो अभी रीसेंट में जो मैं अपनी स्किन केयर फॉलो कर रही हूँ वो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं किस तरह से अपनी स्किन केयर करती हूँ, और सब कुछ मैं आप सबको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि किस तरह से हमें अपनी स्किन की केयर करनी चाहिए जिससे कि हमारे स्किन में डलनेस ना रहे और हमेशा हमारा स्किन हाइड्रेटेड रहे, ग्लो करे। तो सिर्फ सर्दियों में ही नहीं, जिस तरह से हम सर्दियों में अपनी स्किन की केयर करते हैं, उसे ड्राई होने से बचाते हैं, हमेशा उसे मॉइस्चराइज रखते हैं, ठीक उसी प्रकार गर्मियों में ही हमें काफी ज्यादा केयर करनी चाहिए। सब गर्मियों में नहीं, ऑल थ्रू आउट द ईयर हमें अपनी स्किन की केयर करनी चाहिए। और मैं कुछ समर के प्रोडक्ट भी आपके साथ शेयर करूंगी कि समर्स में कौन कौन से प्रोडक्ट एसेंशियल है जो कि आप अपने स्किन पे इजिली अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और आपकी स्किन के लिए भी अच्छा रहेगा। कुछ स्टेप बाय स्टेप मैं आप सबको बताऊंगी, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में एंड तक। तो अभी मैं आप सबको बता दूं कि अभी मेरा जो फेस है बिल्कुल क्लियर है, मैंने अपने फेस पे अभी कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। तो मैं सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगी, एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से अप्लाई करती हूँ। मैं आप सबको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने अपना हेडबैंड लगा लिया है ताकि मैं काफी इजिली अच्छे से अपनी स्किन केयर कर पाऊँ। तो सबसे पहले मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना ये फेस वॉश। तो आप देखिए, मैं यहाँ यूज करती हूँ सेटाफिल का जेंटल स्किन क्लेंजर फेस वॉश जो कि है ड्राई टू नॉर्मल एंड सेंसिटिव स्किन। ये सेटाफिल जो फेस वॉश है मुझे काफी पसंद है और ये मेरी सेकंड परचेज है। इसमें है हाइड्रेटिंग ग्लिसरीन एसेंशियल विटामिन B3 एंड प्रो विटामिन B5। तो सबसे पहले मैं करूंगी अपना फेस वॉश। आप कोई भी फेस वॉश यूज कर सकते। तो मैंने फेस वॉश कर लिया है और फेस पे कुछ भी अप्लाई करने से पहले हमें सबसे पहले फेस क्लीन करना है। अब मैं यहाँ सबसे पहले अप्लाई करने वाली हूँ, फर्स्ट स्टेप है फेस टोनर। मैं यूज करती हूँ डॉट एंड की स्किन केयर की वाटरमेलन फेस टोनर। नेक्स्ट स्टेप है सीरम, तो आप कोई भी सीरम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ नायका का विटामिन सी सीरम यूज करती हूँ। नेक्स्ट यानी कि थर्ड स्टेप है मॉइस्चराइजर, तो मैं यहाँ यूज करती हूँ डॉट एंड की स्किन केयर की मॉइस्चराइजर। तो ये 72 आवर हाइड्रेटिंग जेल मॉइस्चराइजर है और ये जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर है और इसमें है हाइलुरोनिक एसिड जो हमारे स्किन को हाइड्रेट रखता है। और समर में ये जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर काफी अच्छा होता है। ये जो मॉइस्चराइजर है काफी अच्छे से हमारे स्किन पे अब्सॉर्ब करता है और हमें बिल्कुल भी चिपचिपा महसूस नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं। हमारा फोर्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है सनस्क्रीन, तो हमारे फेस को सनस्क्रीन बहुत ही जरूरी है। तो मैं यहाँ यूज करती हूँ डॉट एंड की स्किन केयर की वाटरमेलन कूलिंग सनस्क्रीन जो है SPF 50। तो ये बहुत ही अच्छी कूलिंग सनस्क्रीन है और मैं काफी टाइम से ये यूज कर रही हूँ, मुझे काफी पसंद है और ये काफी अच्छे से स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होता है और इसमें कोई वाइट कास्ट भी नहीं है, काफी अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाता है। तो ये सनस्क्रीन मुझे काफी पसंद है, तो सनस्क्रीन काफी जरूरी है।
प्रोडक्ट यानी कि लास्ट स्टेप मैं यूज करती हूँ लिप बाम। तो आप देख सकते हैं ये है एक्टे का बीट रूट लिप एंड चिक टिंट। तो ये मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ और ये मुझे काफी ज्यादा पसंद है। फ्रेंड्स ये थी मेरी स्किन केयर रूटीन जो मैं डेली फॉलो करती हूँ। तो मैंने आप सबको इस वीडियो में बताया है कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हमें स्किन केयर करनी चाहिए और रेगुलर हमें अपनी स्किन केयर जरूर करनी चाहिए जिससे कि हमारे स्किन में डलनेस ना आए और हमारा स्किन बिल्कुल क्लियर रहे और हमेशा ग्लो करे। तो कैसा लगा आप सबको मेरा ये स्किन केयर की वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलती हूँ मैं आप सबसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, लव यू ऑल।